तो आज हम बात करते हैं मीन एंड रिग्रेशन ऑफ ए कंटिन्यूस वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू कैटेगोरिकल वेरिएबल के एक मीन जो है वेरिएबल मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और रिग्रेशन या इकोनोमेट्रिक वही ऑब्जेक्टिव हमें सेम सेम रिजल्ट्स जो है कैसे देता है, हाउ दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो आप देखिए, तो हमने अभी मैं शो करूंगा कि मैंने मीन मीडियन और मीन डिफरेंस फॉर अफ्रीका और ये कॉन्टिनेंट्स के लिए कैसे कैलकुलेट किया। तो ये देखिए, अफ्रीका का मीन डिफरेंस फ्रॉम इट्स ओन इज जीरो ऑब्वियसली। अमेरिका 18.8 इयर्स मोर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन अफ्रीका 70.73 माइनस 54.81 15.92 इयर्स मोर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम अफ्रीका। When we run this regression on categorical variable, तो Africa जो है वो intercept है alpha, that is 54.8, continent America, it means कि America 1, बाकी सारे 0, तो 54.8 plus 18.8, तो ये आपके पास 73.61 बन जाएगी, और 15.9 plus 54.8, that will come out to be Asia। और इसी तरह से ये यूरोप, ये ओशनिया। तो आप देखते हैं कि वही रिजल्ट मुझे रिग्रेशन मॉडल से, इकोनोमेट्रिक मॉडल से मिले, जो मुझे इससे समरी स्टैट्स से मिले। तो इसलिए मैं हमेशा कहता होता हूं कि रिग्रेशन मॉडल जो है ये समरी डेटा की डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए बहुत यूजफुल मेजर होती है। तो वही उसी तरह से जैसे हम पहले करते रहे हैं, गैप माइंडर, डीप्लायर, स्केमार। तो यहां पर हमने गैप माइंडर जो है वो 2007 वाला डेटा ले लिया, और इसकी हमने एक ग्रुप कर लिया, ग्रुप बाय कॉन्टिनेंट, सी ओ एन टी आई एन कॉन्टिनेंट। ओके, डबल प्रिंसेस लग गए हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एम, और यहां पे मैंने कर दिया समराइज विद रिस्पेक्ट टू मीन इक्वल टू मीन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया जी, देन मीडियन इक्वल टू मीडियन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये मेरे पास जो है वो कैलकुलेट हो गया। लेट्स से मैं इसको रन करता हूं, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गए, लेकिन लेट्स से मैं इसको जो है वो टैब वन में स्टोर भी कर सकता था। अब यही रिजल्ट मैं जो है रिग्रेशन के थ्रू कैसे लेके आ रहा हूं, तो या एक वेरिएबल इसमें मैं ऐड कैसे कर सकता हूं मीन डिफरेंस। तो ये इसको अगर मैं टैब कह देता, टैब वन वन, इसको मैंने टेबल वन में स्टोर कर दिया, तो और अब मैं इसको जो है एक नया वेरिएबल मुझे कैलकुलेट करना है, जो कि हर एक से अफ्रीका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को माइनस कर दे। तो हमने टाइडी वर्स का एक वेरिएबल पढ़ा था, और वो वेरिएबल क्या था कि जी आप जो है म्यूटेट एट, नया वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए हम एक म्यूटेट एट हम यूज कर लिया, और वो क्या है मीन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू मीन माइनस 54.8। तो ये बेसिकली मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है, ओप्स समथिंग मिसिंग, तो टैब वन वन, तो टैब वन वन क्या हमने कैलकुलेट किया। ओके ओके, लेट्स गो विद दिस, मीन मीन डिफरेंस इज इक्वल टू मीन ऑफ म्यूटेट एट, सो वी आर गेटिंग लिटल 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 एरर एनी हो। लेट्स गो फॉर लीनियर मॉडल फर्स्ट, फिर इसको देखते हैं। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं इसको शायद स्किप कर दूं। तो यहां पे हमने जो है वो लीनियर मॉडल, तो आपके पास जब भी रिग्रेशन रन करनी है, तो मैंने मॉड वन कह दिया। मॉड वन वन क्या है, मेरे पास लीनियर मॉडल है, और एल एम लीनियर मॉडल किसको रिग्रेस करना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। ऑन वॉट, ये टिल्डा जो है इसका मतलब यह है कि हम रिग्रेसर पे रिग्रेस कर रहे हैं, और वो क्या है हमारा कॉन्टिनेंट या कैटेगोरिकल वेरिएबल है ये। तो कॉन्टिनेंट और डेटा यहां मेंशन करना है, डेटा आपका क्या है गैप माइंड 2007। ये रिजल्ट्स आ गए, एक है कि कॉन्टिनेंट,
एक यह है कि जी हम जो है वो इसको समरी जो रूटीन में लेके जाते हैं, यहां पे एक मैंने मॉडर्न ड्राइव जो है पैकेज इंस्टॉल किया था जो लाइब्रेरी है, इससे एक मजेदार चीज मिलती है। यहां पे देखिए मैं कह रहा हूं गेट रिग्रेशन टेबल, रिग्रेशन टेबल किसका मोड 11, और ये देखिए ये नाइस रिजल्ट्स आ गए। और टैब 11 को आप दोबारा से यहां पे प्रेस कर लें तो आप देखेंगे तो ये रिजल्ट्स मेरे बिल्कुल वही आ गए, 54.8 इंटरसेप्ट, 54.8 अफ्रीका के लिए, 18.8 अमेरिका, इट मींस 54.8 प्लस 18.8 इनटू इंडिकेटर वेरिएबल जो कि 1 होता है, तो ये ऐड करें तो ये आ गया, इसी तरह से ये ऐड करें तो ये रिजल्ट आ गए। तो आप देखते हैं वही चीज जो हमने समरी स्टेटिस्टिक से ली वो हमें रिग्रेशन से भी मिल रही है। तो रिग्रेशन एक यूजफुल समरी मेजर प्रोवाइड करता है ऑलवेज, दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव होते हैं फोरकास्टिंग, कॉजेलिटी, पॉलिसी एनालिसिस, उस पर बाद में बातें होंगी।